फिल्म सारी फौज ही कर रही है सब। फौज का इसमें क्या इंटरेस्ट होगा? भजन हुकूमत ही उनके बगैर नहीं आती, जज भी भजन कठपुतली है। That was really very rubbish and I condemn it. Imran Ahmed Khan Niazi. He is a person of prismatic personality, a man of words and a man of courage, a man of strength. I tell you, nobody can deny it. भाग गए सब, लौटे हैं, फौज की कारकर्दगी है सारी, फौज चला रही है, वो चल रहे हैं, फौज की मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्या करें, फौज चला रही है ना, फौज ही तो डंडा दे रही है, उन्हें अंदर कर रही है। नहीं, वो पैसे तो खुद ले रहे हैं ना, माल तो अपने जेब में। अभी आप देखो ना, उन्होंने किया हुआ है तनखा पसंद किया हुआ है इमरान खान को। हाँ, मिलने नहीं दे रहे, क्यों दे रहे, नहीं दे रहे, जेल के अंदर है, मुलाकातें भी पाएगा अब इधर में। एयरपोर्ट एक दो कहीं यार, बहुत नहीं चाहिए हमें इमरान खान साहब के इस उम्र में। चाचा 2-3 करोड़ यार, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कल मर जाना है, हमें जमीन में जाना है, क्या करना पैसे को, क्या होगा, गोली मारेंगे, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। ठीक है जी, इमरान खान जिंदाबाद। सर गुस्सा क्या आया है, फटने वाले हो गए हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर को आधी रात को निकाल दिया, फाइल दे के बाहर निकाल दिया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जिस वक्त ये बड़े बूटों वाले बैठे हुए हैं, कोई भी इधर आपको मौका मिले, एक तरफ ये 60-70 करोड़ हो, दूसरी तरफ इमरान खान, पैसे की तरफ जाएंगे, खान की तरफ, खान की तरफ जाएंगे। इनके साथ वो होगा कि ये मौत मांगेंगे, इनको मौत नहीं मिलेगी। मेरा पुत्र बात ये कि खान भी एक तरफ, साथ मतलब पूरे पाकिस्तान की दौलत एक तरफ, मरना तो है अल्लाह के आगे, जवाब भी देना है। हाँ। अपना जमीन ना बेचो, हर बंदे को बताए, उस छोटे बच्चे से भी पूछेंगे, वो भी बताएगा ये खरीदार कौन है और क्या हो रहा है मुल्क में। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। आप रोडों पे लाके उनको गोलियां मारें, खत्म करें उनको, उनको अंदर जेल में डाले ना, उस गरीब को डाला हुआ गरीब को निकालो ना बाहर। हम लोग इधर खुद उसके साथ चल नहीं रहे, जिस दिन पूरा मुल्क बाहर निकला उसके साथ हुआ, इंशाल्लाह इमरान खान उसी दिन बाहर आएगा। हाँ, ये जूतों के काबिल हैं, ये इमरान खान के नाम पे वोट लेते हैं, फिर बाद में ये पैसे लेके ये अपना जमीर बेचते हैं। ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी यही है कि बंदा स्ट्रॉन है, अपनी जगह पे मौजूद खड़ा है, अपने पाँव पे खड़ा है, अंदर से अभी भी लड़का रहा सब मुनाफों को। यही से लोग पीटीआई के नाम पे इन लोगों से इज्जत ली, वोट दिया, बहुत अक्सरियत से उसको पास किया, बाद में जब उसको एक मौका आया ना उसके जमीर को बेचने के, वो का वक्त आ गया तो उसने अपना जमीर बेच लिया। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, कौन लोग हैं? फिर मैं तो ये समझता हूँ कि सारे आवाम को चाहिए कि इन लोगों से बाइकाट करें। हाँ। इनको कोई इज्जत ना दे, जा पर दे के उसको मार दे, क्योंकि उसने पीटीआई का हक छीन लिया है। मार देना तो हक नहीं है, बरा चार्ज करें। हाँ बिल्कुल, उसके खिलाफ स्ट्राइक करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। रात पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर ड्रामा लगा और फिर तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपना जमीर बेचकर वोट देकर एक काली तरमीम करवाई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? That was really very rubbish and I condemn it. क्यों बेचे इन्होंने जमीर, आपके क्या तासुरात थे? बस इधर पूरा मुल्क बिकाऊ माल है, मोटरवे ये वो जितने आपके एसेट्स हैं सब गिरवी रख रहे हैं, हर बंदे की यहाँ कीमत है, लेकिन हर बंदे की कीमत है, उसको लगाओ बस। वो वली खान ने कहा था कि 342 करोड़, उस वक्त करोड़ बड़े चीज थी, अब तो करोड़ कुछ नहीं, तो वो उसने कहा पूरी असेंबली ले लो। दैट इज इट, एज सिंपल एज दैट, एज द सनराइज इन द ईस्ट। खरीदार कौन है सर, खरीदार कौन है? खरीदार हम में से ही है, और जो बाइडन के बंदे थोड़ी आके ले रहे हैं। ये वोट तो इन्होंने इमरान खान के नाम पर लिया था, इज्जत इन्होंने इमरान खान के नाम पर ली है, और जब वोट उसके हवाले से देने का आया तो ये बिक गए। वो कहते हैं पैसा नबी पैसा खुदा, कैसा नबी कैसा खुदा। वन लास्ट कमेंट सर ऑन इमरान खान, इमरान अहमद खान नियाज़ी। ही इज अ पर्सन ऑफ प्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी, अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड अ मैन ऑफ करेज, अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ। आई टेल यू, नोबडी कैन डिनाई दिस एंड आई लव हिम एंड मे गॉड ब्लेस हिम। अभी जेल के अंदर है, मुलाकातें भी पाएगा हम अब में। जुल्म की रात जो है ना, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता। भजन सारी फौज की, सारी फिल्म फौज की फिल्म है, फिल्म सारी फौज की है, फौज ही कर रही है सब। नहीं, फौज का इसमें क्या इंटरेस्ट होगा? भजन हुकूमत ही उनके बगैर नहीं आती, उनके ऑर्डर के बगैर हुकूमत ही नहीं आती। अच्छा, आपको भी नहीं पता, आप हमसे पूछ रहे हैं? नहीं, वैसे मुझे समझाएं, क्योंकि आपको नहीं पता सर, अब कसम ले लें, पूरे पाकिस्तान को पता है भजन, आपको नहीं पता, आप हमसे पूछ रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, उनका दिल दुनिया को पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये जो क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? बस सब हुक्मरान सारे चोर हैं, ये इसलिए चल रहा है। आपके लिए कोई जिंदगी में आसानी हुई है पिछले 2-2.5 सालों में? मुश्किल, बहुत मुश्किल।
मुश्किल से मुश्किल ही हो जा रही है। हाँ, आसानी बिल्कुल नहीं। और फिर अदालतों का इख्तियार इस तरह से खत्म होना, अब कोई उम्मीद बची है? कोई उम्मीद, अदालत वो जज सारे चोर हैं, झूठे हैं। अच्छा नहीं सर, गालियां तो भैया, जज भी गलत फैसले दे रहे हैं। हाँ। आपको नहीं पता, आप भी इसी मुल्क में रह रहे हैं ना। हाँ। कितने फैसले उन्होंने दिए, सही दिया कोई फैसला? जज भी सियासतदान है इस मुल्क का, जज भी भजन कठपुतली है। किसकी? बस आपको पता है किसकी है, आपको पता भाई जान। ये जो लोग रात को लोटे बने, 60-70 करोड़ लेके, आप क्या, जब ये खबर सुनी, ये पता चला, क्या जज्बात थे आपके? जज्बात क्या, सब लोटे हैं, फौज की कारकर्दगी है सारी, फौज चला रही है, वो चल रहे हैं, फौज की मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं फिर, क्या करें, फौज चला रही है ना, फौज ही तो डंडा दे रही है उन्हें, अंदर कर रही है। नहीं, वो पैसे तो खुद ले रहे हैं ना, माल तो अपने जेब में डाल। अभी आप देखो ना, उन्होंने किया हुआ है तनखा पसंद किया हुआ है इमरान खान को। हाँ, मिलने नहीं दे रहे, क्यों दे रहे, नहीं दे रहे सर? इन्होंने अपने बाल बच्चों का मुस्तकबिल बेचा है, मुस्तकबिल बेचा है, मुस्तकबिल बेचा है। ये तो हमारे बच्चों के बिल्कुल जो है ना, किसी काम का नहीं छोड़ा है। जो पहले हम खा पी रहे थे, इधर कारोबार की हालत ये है, इन्होंने सब कुछ बेच दिया है पाकिस्तान। अब तो अदालतें भी जिस तरह से तरमीम हुई है, अदालतें भी यरगमाल बना ली गई है। जी बिल्कुल, ये तो बस जिसने किया है वो आप सब जानते हैं किसने किया है। ये जो बंदे बिके हैं पीटीआई के, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि इस टाइम पर आकर गद्दारी कर देना? सर ये उन्होंने असल में गलती है, बस क्या कह सकते हैं। आपको गुस्सा आया इस चीज पे? सर गुस्सा क्या आया है, फटने वाले हो गए, फटने वाले हो गए जी, जारी बात। अच्छा जी, तो क्या फिर क्या कहेंगे इस पे? सर अभी अल्लाह ही हाफिज है इनका, और क्या कह सकते हैं, अल्लाह ही हाफिज है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर जी, ये जो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के बंदे बिके और काली आनी तरमीम हुई है, ये बंदूक का बिकना ठीक था? सर जी ये तो शुरू से ही रिवाज चल रहा है बिकना। हाँ बिकना, और इस रिवाज को अगर खत्म करना तो उसके लिए कोई इकदाम करे ना, ये तो होते ही रहेगा, ये तो आगे भी होता रहेगा, जो मर्जी आ जाए। जो बिकता है, जो बिकता है वो क्या सोच के बिकता होगा, और ऐसे टाइम पे आकर क्या सोचा होगा उसने कि मैं ठीक है पैसे लेके वोट डाल देता हूँ, क्या सोच के बिका होगा? हो सकता है उसकी अपनी फैमिली यरगमाल हो, आपको पता ही ना हो उनके साथ क्या हो रहा है, उसके बारे में तो आपको नहीं पता। अच्छा, यानी आप ये समझते हैं कि प्रेशर भी हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हर इंसान पे होता है प्रेशर। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि प्रेशर नहीं था लेकिन उसके बावजूद वो बिके, फिर क्या कहेंगे? फिर गैरानी आईनी जो भी बात होती है उसकी तो सजा होती है ना। और ये जो रात की तारीकी में तरमीम हुई है, अदालतों का इख्तियार लार्जली खत्म कर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? सर जी पहले प्राइम मिनिस्टर को आधी रात को निकाल दिया, फाइल दे के बाहर निकाल दिया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब आप बताएं ना, वो वही साबिक प्राइम मिनिस्टर जेल में। मैंने आपको पहले बताया ये रिवाज हो चुका है, ये आज से पहले भी हुआ है, आज से ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। आपके बच्चे भी इसी तरह गुजारे? देखें हमारे बच्चे तो, हमने तो बच्चे, अब खुद बच्चे अभी जवान नहीं हुए, कहने का पता ही नहीं करवाए, अभी इस माहौल में, इस पाकिस्तान में बच्चे पैदा करवाने का कोई है निजाम? बच्चों का कोई मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है? जैसे भाईजान ने कहा बच्चों का मुस्तकबिल, गोली मारे मुझे तो अपना नहीं नजर आ रहा, अंदर नहीं नजर आ रहा। तो यही बात है ना कि जिस मामलात में ये सारे मामलात हुए उसको खत्म करें ना, इस रिवाज को खत्म करें, कानून वो बनाए जिसमें ये हो ना सके। सर जी रात की तारीकी में जो तरमीम हुई और तहरीक इंसाफ के लोग बिके, आप क्या कहेंगे इस पे? बस उन पर लानत ही हो। अच्छा, बिल्कुल लानत हो, क्योंकि गलत किया है उन्होंने, मुल्क के साथ गद्दारी की है, मुल्क से गद्दारी की है, मुल्क के साथ गद्दारी की है। बस आप ये समझे कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। नहीं फिर भी इन्होंने क्या सोचा होगा कि ये लोग पूछेंगे नहीं, लोग भूल जाएंगे, 60 करोड़ ले लेते हैं, 70 करोड़ ले लेते हैं, बस ये रिवाज चल रहा है ना आजकल। अच्छा ये बताएं कि जो तरमीम हुई है और अदालतों के इख्तियार खत्म कर दिए गए, इस पर आप क्या कहते हैं, आप कोई उम्मीद है? कोई भी उम्मीद नहीं है, बस जिस वक्त ये बड़े बूटों वाले बैठे हुए हैं कोई भी तरमीम नहीं, कोई भी नहीं होगा। हल क्या था, आप क्या समझते हैं? इमरान खान को बाहर आना चाहिए बस। लोग क्यों हर बच्चे को पहुंचे? हाँ पूरी बच्चे को पहुंचे, परेशान है हर इंसान। इस चीज को क्या कहेंगे कि इन्होंने क्यों ज़मीर बेची? बस ये इन्होंने अपनी खुशहाली के लिए, अपने लिए। आपको अगर इतने पैसे ऑफर होते और एक तरफ इमरान खान के साथ वफादारी होती, आप क्या करते? मैं इमरान खान के साथ वफादारी करता, पैसों की फैन देता। क्या करते पैसों? पैसे नहीं चाहिए, इमरान खान चाहिए। तहरीक इंसाफ के लोटे, इनके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग बदनसीब है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बदनसीब है? हाँ। इन्होंने क्यों ऐसा किया? ये पैसा ही सब कुछ है, दीन मज़ आगे इन्होंने किसी ने नहीं जाना। आपको मौका मिले, एक तरफ ये 60-70 करोड़ हो, दूसरी तरफ इमरान खान, अल्लाह
उसके आगे उसको ख्याल रखो कि उधर जाना है। नहीं आप फिर पैसों की तरफ जाएंगे, खान की तरफ? खान की तरफ जाएंगे, खान की तरफ। ये मर गए इस हिस्से में पैसे सर, 60-70 करोड़ नस्लें पर ये हमने बहुत पैसा देखा, पैसा कोई चीज नहीं है। नहीं सर आपकी नस्लें बन जाएंगी, ऐसी नस्लें अपनी मेहनत से बनेगी, पैसा से नहीं बन। तो इमरान खान आके बाहर क्या करेगा? इनसे अच्छा है, इनसे अच्छा है। हाँ अब तो मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये बड़ा कुछ करेंगे, अभी हौसला करो, जरा हौसला करो, और भी होगा, अभी अभी बहुत कुछ होगा। इनके साथ वो होगा कि ये मौत मांगेंगे, इनको मौत नहीं मिलेगी। खान की असर इमरान खान जिंदाबाद है जो है ना, 9 मई को जो वाक्य हुआ है सब। आप क्या करते हैं? मैं जो ड्राइवरी करता हूँ सर। आपको मौका मिले 60-70 करोड़ है एक तरफ, दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ वोट देना सर, 1 करोड़ 1-2 कई अरब हो तो हमें नहीं चाहिए, हमें इमरान खान साहब के इस उम्र में चाचा 2-3 करोड़ सर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कल मर जाना है, हमने जमीन में जाना है, क्या करना पैसे को। अच्छा तो इमरान साहब फिर भी ठीक है, जो भी है इमरान साहब ठीक है। अब तो मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी है, खबरें सुनिए। लगा दी है सर, क्या होगा, गोली मारेंगे, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। ठीक है जी, इमरान खान जिंदाबाद है। आप देखिए मौलाना साहब हमारे हरदिल अजीज लीडर हैं, उन्होंने भी उनके बंदे भी तो देख के गए बिके जी, ये तो मंडी लगी हुई है, सब बिक रहे हैं, सब बिक रहे हैं, अगर मैं भी बिक जाता हूँ तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इधर पैसा हो दूसरी तरफ खान हो, आप क्या चूज करोगे? खान, पैसा को क्या, पैसा का और कमाएगा, पैसा ज्यादा हो 60-70 करोड़ हो। नहीं खान का सपोर्ट बहुत है, पैसा तो क्या चीज है, पैसा नहीं चीज, नहीं नहीं पैसा नहीं चीज। तो खान क्या देगा आगे? खान के साथ, खान के अंदर बहुत कमाल है, खान कमाल है। हाँ। और तहरीक इंसाफ के लोगों ने पैसे लेकर इमरान खान के खिलाफ और अदालतों के खिलाफ वोट डाले, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने जमीर बेचे हैं अपने? बेटा बेहतर जानते हो, सारी दुनिया जानती क्या हो रहा है, ठीक है, इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, ठीक है, जब से ये बना किस नाम पे बना और किस लिए बना था, ठीक है, इन लोगों ने क्या तमाशा बनाया, जो आ रहे हैं ये कुछ उन्होंने करना है। देखिए जमीर फरोशों के बारे में क्या कहेंगे? जमीर फरोश बदल, बस वो अल्फाज नहीं, जहाँ पे वो कहते हैं ना इंसान बोले वो एंड हो जाता है, ठीक है जी, कि उन्होंने जो कुछ हो रहा है पुत्र आपके सामने। आपको मौका मिलता पार्लियामान के अंदर 60-70 करोड़ होते, एक तरफ बक्सा भरा होता, दूसरी तरफ खान के खिलाफ वोट करना होता, आप क्या करते? मेरा पुत्र बात यह कि खान भी एक तरफ साथ, मतलब पूरे पाकिस्तान की दौलत एक तरफ, मरना तो है अल्लाह के आगे जवाब ही देना है। हाँ। अपना जमीर ना बेचो। हाँ। अल्लाह के आगे जवाब देना है। जिन्होंने बेचा है उनके बारे में क्या? बस वो खुद अपने जमीर के मालिक है ना, ऊपर वो बैठे है, उसकी कचहरी में तो जाना ही है ना। मसला ये है कि आप जैसे जब मौलाना हजरत खुलकर बात नहीं करेंगे तो फिर तो मेरा पुत्र बात है, हमारे से बड़े मौलाना साहब साथ थे ना, वो किधर से आए? पुत्र हंस रहे, ये बताओ ना, हमारे से बड़े साहब थे ना उधर, उन्हीं की वजह से पासा पड़ गया। वो खुद कह रहे हैं कि मेरे बंदे भी बिके। बस मेरा पुत्र बता रहा हूँ, हमारे से बड़े मौलाना जो है। खरीदार कौन है सर? खरीदार खरीदार आपके साथ नहीं है पुत्र, हमें किस लिए आप सबने टारगेट बनाते हैं, हर बंदे को बताए, उस छोटे बच्चे से भी पूछेंगे वो भी बताएगा ये खरीदार कौन है और क्या हो रहा है मुल्क में। अल्लाह इन्हें हिदायत दे, अल्लाह इस मुल्क पे करम करे और इस आवाम पे करम करे। ऐसे उम्मीद है आपको? उस साथ भी है, इन पे नहीं है, इन पे नहीं है, उस जात भी उम्मीद है, वो कर्म करने वाला और इंशाल्लाह होगा। हर अरूज के बाद जवाल और हर जवाल के बाद अरूज होता है। इमरान खान सच्चा बंदा है, ठीक है, इमरान खान के पीछे दुनिया चलती है। नहीं ये जो गद्दारी जिन्होंने की इमरान खान के साथ, वो उनको सजा देना, बाहर रोडों पे लाके उनको गोलियां मारे, खत्म करे उनको, उनको अंदर जेल में डाले ना, उस गरीब को डाला हुआ, गरीब को निकालो ना बाहर, क्यों डाला हुआ है? ये हुकूमत सारी मिल के उस गरीब को फंसाया हुआ है इन्होंने, ये इमरान खान के साथ ज्यारती है, पूरा मुल्क उसके साथ है। ये जो मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो वो मुल्क बचाना चाहता है, वो ये जलसे जुलूस खुद इसीलिए निकलवा रहा है कि मुल्क बचे किसी तरीके। हम लोग इधर खुद उसके साथ चल नहीं रहे, जिस दिन पूरा मुल्क बाहर निकला उसके साथ हुआ, इंशाल्लाह इमरान खान उसी दिन बाहर आएगा। रात को जो आईनी तरमीम हुई है और तहरीक इंसाफ के लोगों ने पैसा लेकर वोट डाला है, उन जमीर फरोशों के बारे में क्या कहेंगे? देखे पाकिस्तान में तो कानून किसी जगह पे नहीं है। हाँ। अगर कानून होता आज ये काम ना होता जी। मौलाना साहब खुद कितने मजबूत होके अपना आप उसने भी बेच डाला। अच्छा वो भी बिके। खरीदार यही है, जरदारी है, नवाज शरीफ और कौन है? ये जो रात को खरीदो फरोख्त हुई है यही खरीदते हैं और कौन खरीदते हैं? आपको वैसे ये देखकर कैसा महसूस हुआ जब वो जमीर बेच रहे थे?
भाई जान देखे पाकिस्तान में आपको बोल रहा हूँ आपको किसी कोने में कानून नहीं मिलेगा। यहाँ हमारे जजेज है वो सीधे अमेरिका, अच्छा पेंशन अमेरिका से उनकी आती है, हमारे चीफ आर्मी स्टार की पेंशन अमेरिका से आती है, डॉलरों में आती है, साहब की डॉलरों में बारिश तनख्वाह आती है, सबके डॉलरों में आती है, एक नहीं है, ये सब लोग ईमान अपने ईमान बेच चुके हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, काए मुसलमान। इमरान खान का फिर क्या हाल है जिसकी मुलाकातें भी अपनी करवाई जा रही? इमरान खान को बाहर तो उन्हें आना चाहिए मगर जिस तरह ये आने नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने बहुत काम डाला। आपकी नजर में क्या हाल है? यही है बेचारे को क्या है, इतने अरसे से ढका हुआ है, अगर ईमानदार ना होता वो अभी तक बीमार होकर मर जाता। ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी यही है कि बंदा स्टोन है, अपनी जगह पे मौजूद खड़ा है, अपने पाँव पे खड़ा है, अंदर से अभी भी लड़का रहा है सब मुनाफों को। इतनी मजबूती की क्या वजह हो सकती है? 70 साल का बंदा, आपकी उम्र क्या है? मेरी तकरीबन है 42 साल है। 42 साल जवान बंदे, आप इतना टाइम जेल में और इस तरह से गुजार सकते हैं? मैं कहता हूँ ईमानदार बंदे की यही पहचान है कि अंदर वो अभी तक ठीक है। उस बंदे का कोई भी डाल दें आप, शहबाज शरीफ की पसलियां दुख रही थी, देखी थी कंटेनर पे जंपे मारा था अभी पिछले दिनों में। ये जो भी कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो कुछ आपको दुख पहुंचा है वैसे ये देख कर ही सारे दुख मुझे पहुंचा। जो हमारे जो ना जो शहीद हुआ था उसका भाई ने जो पैसे लिए उसपे मैं बहुत दुख, मुबारक जेब, मुबारक जेब पे उसमें मैं बड़ा दुखी हूँ। ये उसे ये नहीं करना, ये उसका नहीं करना चाहिए। वो भाई की शहादत बेच गया, बिल्कुल खून बेच गया। अच्छा हाँ, ये बड़ा दुखा गया। पठान, मैं पठान हूँ, वो भी पठान है, उसकी उसी के इलाके से। नहीं मैं इधर केपीके का मरदान से हूँ। तो उसे क्या कहेंगे आप? मुबारक जेब को पश्तो में क्या कहेंगे? मैं उसका कहूँ कुछ दाता खून न कर। क्या मतलब? इसका मतलब भी आपने अच्छा नहीं किया। जो इमरान खान जेल के अंदर है मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो हमारा मुशर्रफ है और जो हमारा बड़ा है और हमारा एक लीडर है, एक वर्ल्ड का लीडर है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा, रात को जो तहरीक इंसाफ के लोगों ने जमीर बेचा है और जमीर बेचकर जो वोट दिया इमरान खान के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि इन्होंने बड़ी ज्यादती की है और ये अच्छा नहीं हुआ है, बस ये जूतों के काबिल है। अच्छा हाँ, ये जूतों के काबिल है, ये इमरान खान के नाम पे वोट लेते हैं फिर बाद में ये पैसे लेके ये अपना जमीर बेचते हैं, ये अच्छा काम नहीं है। फिर तो ये मजा आएगा तो अपने उससे आ जाए ना, फिर पत्नी को चलेगा, इनको दो वोट भी नहीं मिलेगा इमरान खान के बगैर। ये जितने वोट मिले हैं ये इमरान खान के, फिर इन्होंने गद्दारी की क्यों है खान के साथ? बस ये तो भाई आपको बताए ये सारे जितने हैं सब पैसों के भूखे हैं, ठीक है। हाँ, ये सारे आपको मौका मिले 50-60 करोड़ हो आपके सामने, बोरी भरी हो, आप क्या करेंगे? और दूसरी तरफ खान हो, मैं तो करूँगा भाई, वो तो खान साहब के साथ ही है। खान में कौन सा ऐसा वजीर है जो इज्जत से गया वो बता दो? मुझने कोई भी नहीं गया इज्जत से, बस फिर पीछे क्या रह गया पाकिस्तान में? नहीं, ये जो रात को जो हुआ है कल रात को, ये क्या था? ये जो जिस तरीके से तरमीम की गई, जिस तरीके से लोटे बने, लोटे पहुंचे पहले सेनेट में फिर कौमी असेंबली में, ये क्या था? पैसा। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ये पार्लियामेंटेरियन है, मुझे बनाओ ना एक साल के लिए वजीर आजम। हाँ। मेरे पास साइकिल भी नहीं है, एक साल बाद मेरे पास V8 होगा, गाड़ियों ने तोहफा दिया होगा, ये सब झूठ है, बाहर से तोहफा है, ये सब करप्शन है, सब माल डब्बा है। ये जो लोग पैसे लेते हैं जमीर बेचते हैं, इनको इनको क्या कहेंगे? इंसान का ईमान हो ना तो पाकिस्तान सबसे आगे है, ये अब बांग्लादेश से भी पीछे है पाकिस्तान। हाँ। श्रीलंका से भी पीछे है, ये हर मुल्क से पीछे है, ये तो हमारा खुदा कोई ऐसी नहीं किया है कि ये पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। मुझे 2 महीने के लिए वज़ीर आज़म बना दो, मेरे पास साइकिल भी नहीं है, मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मिलेगी, प्राडो V8 फलाने ने तोहफा दिया, ये सब करप्शन का माल है। आप UK में रहते हैं? जी जी। UK में ऐसा होता है कि एक पार्लियामेंटेरियन करोड़ों रुपए लेके मुल्क के मुफाद के खिलाफ वोट दे दे? नेवर एवर, उनकी थिंकिंग ही ऐसी नहीं है। अच्छा, ऑल ऑफ पीपल पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं इस मुल्क में? आई डोंट नो सर। आप यहाँ पे कितनी देर बैठते हैं? मैं तो जस्ट 2 आवर्स 3 आवर्स। 2 आवर्स 3 आवर्स में लोगों के चेहरे देखे, अपने तासुरात देखे, इनकी मजबूरियां देखी है, क्या फील करते हैं? डेड फीलिंग्स देखी है सबके चेहरों पर। कौन सी फीलिंग्स? डेड फीलिंग्स। डेड फीलिंग्स, यस। डेड फीलिंग्स को उर्दू में क्या कहेंगे? मरे हुए चेहरे। मरे हुए चेहरे, कोई भी कुछ हाल नहीं है। हाँ। हर पर्सन वहाँ तो यूके में तो जिसको मिलोगे हेलो आए चेहरे पे स्माइलिंग होगी। हाँ। स्माइल फेस होगा, यहाँ तो किसी का स्माइल फेस आई नहीं, जिसको पूछो वो परेशान होगा। हाँ। हर कोई अपनी कहानी सुनाएगा इस मुल्क में रहने की। UK से आप होकर आए, इमरान खान जेल के अंदर है, इमरान खान ये कहता है कि UK के अंदर उसकी बड़ी पजीराई है, ये बात दुरुस्त है? यस ऑफ कोर्स। UK में लोग खान को जानते हैं? बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जानते नहीं। अच्छा, लव हिम। तो आप क्या समझते हैं ये बंदा ठीक है? Yes, of course. इमरान खान इज़ बेस्ट लीडर इन पाकिस्तान। तो फिर मुलाकातें भी नहीं होने दे रही हुकूमत, अब मिलने भी नहीं दिया जाए, यानी क्या ऐसा मुमकिन है कि एक वज़ीर आज़म उसे जेल में ना मुलाकात करने दी जा रही हो? वो
पता है जो अच्छा पर्सन होगा तो वो प्रॉब्लम्स उसके लिए क्रिएट होंगी, वो तो इन चीज़ों को फेस करेगा, इसलिए वो फेस कर रहा है, इस मुल्क के लिए कर रहा है, नहीं तो उसको तो किसी चीज़ की नीड ही नहीं है। पैसे लेके बिके उन्होंने ठीक किया, मेरे हिसाब से ठीक ही किया, पैसे लेके बिकना ठीक है, पैसा जारी पैसे के बाद जिंदगी तो नहीं है। अगर आपको 70 अरब रुपए दिए जाएंगे, 70 करोड़ दिए जाएंगे, बिक जाएंगे, बेच जाएंगे जारी बात, खुद को जमीर को बेच देंगे, बाज ये नहीं जमीन को बेचना, बाज ये कैंडिडेट को खरीदा जाता है तब भी गवर्नमेंट बनती है ना, कोई भी स्टाइलिश जो खरीदा जो बंदा बिकता है खुद को बेच देता वो ठीक है। बात सुनना जी, जब इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट बनाई थी, नहीं, नहीं, सर छोड़ें खान को छोड़ें, आपको कोई 70 करोड़ ऑफर करे बिक जाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है, पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है, पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है, इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डोर पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कानून मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है, सियासत डोर पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है, तमाम तर कानूनी मुआज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए, क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है, और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।